कबीरनगर में कैबिनेट मंत्री तथा निषाद पार्टी अध्यक्ष डॉ संजय निषाद ने मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारों और परिवार वालों के प्रति हमदर्दी जताते हुए कहा कि मुख्तार अंसारी अपराधी थे, इसलिए कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई। उनके नाते रिश्तेदार और परिवार के लोग तो अपराध नहीं किए, इसलिए परिवार को पीड़ित कह दिया तो क्या हो गया। मेरे इस बयान को लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस वालों ने हमें लूटा और अपने समाज को फायदा पहुंचाया। हमारे दल से 11 विधायक हैं, विधानसभा और विधान परिषद में हम अपने समाज के लिए आवाज उठाने का कार्य कर रहे हैं। डॉ संजय निषाद अपने बेटे निवर्तमान सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद की चुनावी वैतरणी को पार लगाने में जुटे हैं, जिसकी कड़ी में वो आज संत कबीर नगर जिले में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने आए थे। इसका हिस्सा लूटा जाएगा तो ध्यान देगा तो विवादित ध्यान हो जाएगा। आज इसके हिस्से कब्जा किए रहेंगे और उसकी नोट नौकरी पर बेचारे कहीं चपरासी भी नहीं निषाद, कहीं जो है एक को विभाग में मैं कहता हूँ ना, तो उनके हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे तो जिससे कब्जा किया हो तो कहेगा विवाद है। आज मुख्तार अंसारी के बारे में न्यायालय ने फैसला दे रखा है कि मुख्तार अंसारी अपराधी है, इसलिए उन्हें सजा सुनाया गया। लेकिन उनके जो नात रिश्तेदार होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि उनके घर में कोई नाती पनाती है, उनका परिवार है, तो परिवार का मतलब ये बीवी और बेटा नहीं होता कि परिवार का मतलब होता कि लंबा कुंबा। तो उसमें जो जो अपराधी में शामिल है उनके ऊपर सजा है, लेकिन जो अपराधी में शामिल नहीं है तो परिवार है तो उसको पीड़ित परिवार ही तो कहा जाता है। और सरकार इसीलिए उनकी लाश को लाई और ला के उनके घर सौंपी, तो अगर परिवार नहीं होता तो क्यों सौंपती भाई। तो हमने अगर परिवार कह दिया तो कौन सा गलत उसमें हो गया, उसको बात को बतंगड़ बना रहे हैं।